हॉस्पिटल मोतिहारी में, और हमारे साथ हैं मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डायबिटीज के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर कुमार सुरेंद्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे हम जानना चाहेंगे, मोती झील महोत्सव या मोती झील बचाओ अभियान जो शुरू हुआ है, लगभग 4-5 साल से मतलब कार्य कर रही है ये कमेटी, और मोती झील में अतिक्रमण जो हुआ है, बार बार अतिक्रमण होता है और बार बार उसको पुलिस हटाती है, फिर अतिक्रमण हो जाता है, तो इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, इस पे क्या विचार है आपका? ये अतिक्रमण तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोती झील हमारे मोतिहारी का शान है, हमारी पहचान है मोती झील, और मोती झील को अतिक्रमण करके बहुत सारे लोग जो हैं बैठे पड़े हैं, पदाधिकारियों का नहीं सुनते हैं, नेता का नहीं सुनते हैं, हम लोगों का नहीं सुनते हैं, सोशल वर्कर का नहीं सुनते हैं, तो ऐसे लोगों से तो रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो अतिक्रमण हटाएं, तभी तो हमारे जिले के बड़े बड़े अधिकारी इस काम को कर सके, या हमारे जो नेता हैं, जो मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, वो इस काम को आगे बढ़ा सके। तो अतिक्रमण तो हटाते ही नहीं है वो लोग, वैसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम अतिक्रमण हटाएं और मोती झील को स्वतंत्र करें, और जब ये मोती झील स्वतंत्र हो जाएगा, अतिक्रमण यहाँ से हट जाएगा, तो हमारे मोतिहारी का शान आन बान जो बोलते हैं वो सब बढ़ जाएगा, और यहाँ के लोगों का जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। यहाँ बहुत तरह का चीज लगाया जा सकता है झील में, है ना, इससे हम लोग काफी लाभान्वित हो सकते हैं, मोतिहारी की जनता लाभान्वित हो सकती है, एक टूरिस्ट पैलेस बन सकता है यहाँ पे जो है, इसलिए अतिक्रमण सबसे पहला कारण है इस मोती झील को जो है, इसके जो भी जो है इसका हम लोग देख रहे हैं सपना, इस मोती झील का सबसे पहला जो कोई अगर रुकावट है तो वो है अतिक्रमण, और इस अतिक्रमण को हटाना बिल्कुल जरूरी है। शहर के जाने माने डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं आप, लोगों को जो ये बीमारियां बढ़ रही हैं, जकड़ रही हैं, तो ऐसे में लोगों को क्या सुझाव देंगे कि लोग इस बीमारी से बचें? इस बीमारी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि लोग जो है सही तरीका, जब उनको डायबिटीज होता है तो वो कुछ गलत इलाज में चले जाते हैं, है ना, गलत इलाज का मतलब है कि जड़ी बूटी पर चले जाते हैं, बहुत सारा जो है दवा आयुर्वेद होम्योपैथ का दवा खाने लगते हैं, जबकि ऐसा रिसर्च में पाया गया कि ये सब दवाइयाँ जो है या जड़ी बूटी की दवा जो है बहुत कम कारगर है डायबिटीज में, इसमें सिर्फ अंग्रेजी दवा कारगर है ना, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ कर दवा खाते हैं, बहुत सारे हैं जो सिर्फ जड़ी बूटी का दवा खाते हैं, तो ऐसे नहीं करना होगा, इनको अच्छे डायबिटीज स्पेशलिस्ट से मिलकर उनको जो है ना दवा खाना चाहिए, और अंग्रेजी दवा पर निर्भर रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए उनको जो है, डाइट कंट्रोल करना चाहिए, अच्छे डाइटिशियन से मिलकर अपने डाइट का चार्ट बनाना चाहिए उनको जो है, डाइट कैसे खाना खाएं डायबिटीज में, ये बहुत महत्वपूर्ण है डायबिटीज में। लोग सिर्फ यहाँ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इंडिया में 90% खाना का जो हिस्सा होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि डायबिटीज का हिसाब कहता है कि उसमें मिक्स फूड होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट गुड फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, लोग नहीं खाते इस तरह से, सिर्फ रोटी चावल के फेरे में रहते हैं लोग खाने से, इसीलिए डायबिटीज इतना फैल रहा है। अगर ये लोग मिक्स फूड खाएं और अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट में रहें तो कभी भी डायबिटीज नहीं फैलेगा और डायबिटीज से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप, एक दिन पहले की बात है, आपने एक वीडियो अपलोड किया था अपने फेसबुक पे कि एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनका डायबिटीज़ बहुत लेवल बढ़ गया था और उनको बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से आपने उनको मतलब देखा था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, तो उस केस स्टडी के बारे में हमसे जानना चाहेंगे। वो आई थिंक कि गोपालगंज से वो थे मरीज जो है, और वो पेशेंट काफ़ी मतलब निराश हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने सिवान में बहुत सारे डॉक्टर और पटना के बहुत सारे डॉक्टर उनको बोले थे कि नहीं पैर काटना पड़ेगा, उनको बहुत बड़ा अल्सर था उनके पैर में और वो पैर बिल्कुल गैंग्रीन हो चुका था, और लोग कह रहे थे कि नहीं ये नहीं बचेगा पैर, बहुत सारे डॉक्टर भी उनको बोल दिए, काफ़ी निराश हो गए, मेरे पास आए, उस समय मैंने देखा कि उनका शुगर मोर देन 600 है, तो सबसे पहले काम किया मैंने कि उनका शुगर कंट्रोल में किया, शुगर कंट्रोल करने के बाद जो है उनके ऊन का ड्रेसिंग हमारा स्टाफ किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, और वो भी काफ़ी साथ दिए, और वो उनको भी फेर था कि नहीं यहाँ ठीक हो जाएगा, मैंने उनके शुगर को बढ़ने नहीं दिया, और उस बीच में प्रॉपर एंटीबायोटिक से ड्रेसिंग से उनका घाव को हम लोग जो है करते रहे, और उसके बाद ना 28 दिन लगा हमको, उनका पैर बच गया, कल वो मेरे पास आए थे फिर से दोबारा जो है अपने पैर पर चल कर आए थे, जबकि पहली बार जब आए थे तो उनको गाड़ी से लाद कर लाया गया था, वो चल नहीं सकते थे, एक कदम भी नहीं चल सकते थे। तो जो मरीज डायबिटीज में प्रॉपर तरीके से खान पान रखता है, हमारे गाइडलाइन को फॉलो करता है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करता है, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास मरीज हैं, आपको बहुत सारे किडनी फेलियर के मरीज हैं जो मेरे पास अभी भर्ती हैं, उनको देखिए वो काफ़ी जीवन से निराश हो गए थे कि नहीं तो अब तो किडनी के बदलना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ सभी डायलिसिस पर हैं,
कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, सभी खा पी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं परिवार के साथ, उनके परिवार के लोग भी काफी खुश हैं। देखो काफी परिवार को अपने खुशियां देने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।